2011 में मैं पहली बार यूएस आई। तब मुझे यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। एक दोस्त ने कहा, यहाँ के फ्रूट्स ऑर्चर्ड में आप फल तोड़कर खा सकते हो और वो भी फ्री। तो मुझे तब यकीन नहीं हुआ, क्योंकि हमारे वहाँ तो फल तोड़कर अगर किसी के बाग में घुसे आम अमरूद की चोरी की तो वो पीछे डंडा लेकर भागता था। वो कुछ अलग ही दिन थे और बचपन तो हमेशा ही मज़ेदार रहता है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? देखिए मैं कहाँ पर खड़ी हूँ। यहाँ पर ढेर सारे एप्पल से लदे हुए पेड़। हम लोग आए हैं एप्पल पिकिंग के लिए आज। जैसा कि आप देख रहे हैं, एकदम भरे पूरे एप्पल से। और यहाँ पे आकर ना इतना अच्छा लगा मुझे, क्योंकि घर से निकलना भी हो गया और जल्दी निकल कर आ गया। इस वजह से ज़्यादा रश भी नहीं मिला हम लोग को। और ये जो छोटा सा रैंच में हम लोग आए हैं, यहाँ पर छोटा सा पाई शॉप है जो कि बहुत फेमस है। उसके पाइज़ बहुत फेमस है और एप्पल साइडर भी यहाँ से लोग बहुत लेते हैं। तो वहाँ पर भी मैं आपको लेकर चलूँगी। और यहाँ पर दूसरे कुछ कुछ जो फ्रूट के प्लांट्स भी हैं जहाँ से आप पिक कर सकते हो। और मज़े की बात यह है कि जितना चाहे आप खा सकते हो, वो फ्री है। और जो घर लेके जाओगे उसके लिए बस आपको पैसे देने पड़ेंगे। और वो बहुत सस्ता भी है, $1.75, मतलब बस 140 या 50 इतना ही। तो इट्स वेरी नाइस। तो चलिए मेरे साथ और देखिए यहाँ पर क्या क्या सब मिलता है। और यहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज़ के भी एप्पल के ट्रीज़ हैं, जैसे कि ये वाले जो हैं पिंक वाले एप्पल्स हैं। और यहाँ पर ग्रीन एप्पल्स भी हैं, ग्रैनी स्मिथ, और गोल्डन डिलीशियस एप्पल्स भी हैं। तो चलेंगे हम लोग सब देखेंगे। और हमारे साथ रहिए और देखिए क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर। लेट्स गो। ये जो गिजरिक रैंच है, यहाँ पर ओनली एप्पल ही नहीं, बेरीज़ भी मिलते हैं। स्ट्रॉबेरीज़, रास्पबेरीज़, ये सब की पिकिंग भी होती है। और पम्पकिन भी पिकिंग होती है यहाँ पे। सीजनल फ्रूट्स यहाँ पर आप पिक कर सकते हो। ये वाटसन विले में है और ये यूएस का एक कंट्री साइड है। बहुत ही बढ़िया एटमोसफियर और क्लीन फ्रेश एयर। खाने का तो मुझे बहुत मन कर रहा था, लेकिन कोरोना टाइम में ऐसे ना धोकर खाने के लिए फिर सोचा धोकर ही घर में खाते हैं। बहुत वैरायटीज़ के एप्पल्स हम लोगों ने यहाँ पर देखा। और ये जो नीचे गिरे हुए एप्पल्स हैं, इस फार्म से काउज और हॉर्सेस के फार्म को ये लोग दे देते हैं चारा के लिए। मैंने पहले सोचा कि इतने एप्पल ऐसे ही वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हमने तो बहुत एंजॉय किया, एप्पल्स बहुत सारे पिक किए। सारा ने भी तोड़े, लेकिन सिया से उठाया नहीं जा रहा है। फिर भी वो उसने हम लोगों को जो एप्पल्स तोड़े उसको बैग में रखने में मदद करी, और वो बैग वो पूरे टाइम पकड़ के घूम रही थी। कहा जाता है ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे।
एक्चुअली ये मुझे तब पता चला जब मैंने एप्पल के वाइटामिन्स के बारे में पढ़ा। एप्पल में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वाइटामिन सी से भरपूर है ये, और वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है हेयर और नेल्स के लिए वो भी इसमें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और एप्पल के छिलके में जो पेक्टिन पाया जाता है वो गट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसीलिए एप्पल रोज़ खाने चाहिए। इस भीड़ को देखकर लग रहा है कि धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आ रही है, क्योंकि संडे के दिन तो पिकिंग सीजन में इतना ही भीड़ होता है, लेकिन लोग मास्क पहने हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। हमने लगभग 5 किलो एप्पल पिक कर लिए थे और यहाँ से हम लोग अभी जाएंगे पाई शॉप। वो जो छोटा सा पाई शॉप है ना, उसका पाए हम लोगों ने खाया था मॉन्ट्रे के एक रेस्टोरेंट में, तभी से मैं इसकी दीवानी हूँ। और यहाँ से बहुत सारा पाए बहुत सारे रेस्टोरेंट में सप्लाई भी होता है। और ये यहाँ हम जा रहे हैं पाई शॉप की तरफ। और ये है एक सुवेनियर शॉप, लाइन पर लगे हैं सचिन, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे भी थोड़ा आ जाऊँ। और ये शॉप में छोटा मोटा जो प्रिजर्व्स भी मिल रहे हैं और कॉर्न टमाटर वगैरह जो प्रोड्यूस हैं, एवोकाडो भी, ऐसे सब थोड़ा सा फार्म प्रोड्यूस और थोड़े सुवेनियर यहाँ पे मिल रहे हैं। ये है इनसाइड ऑफ द पाई शॉप और यहाँ पे लाइन लगी हुई है। यहाँ पर भी कॉर्न और स्ट्रॉबेरी वगैरह मिल रहा है खरीदने के लिए। और यहाँ पे दिखा दे रही हूँ मैं क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर, पूरा मेन्यू। पम्पकिन सीजन है अक्टूबर से, और ये देखिए पीछे कैसे पाए बना रहे हैं। और ये जो एरिया है पिकनिक एरिया है, यहाँ पर आप यही पाए शॉप से लेकर कुछ खा सकते हो या फिर घर से भी कुछ लेकर आराम से यहाँ पे पिकनिक मना सकते हो। कितने सारे पाए आ गए हैं, अभी लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। ये देखिए ये है पूरा पिकनिक एरिया का व्यू। आज धूप काफ़ी है, इस वजह से लोग आराम से शेड में बैठकर पाए खा रहे हैं। हमें भी एक जगह मिल गई। हमने स्ट्रॉबेरी और रूबार्ब पाए लिया था, वो बहुत टेस्टी होता है, और ओलाबेरी जूस। ये वर्थ द वेट है क्योंकि पाई बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। बहुत ही ज़्यादा यमी। और ये रहा रास्पबेरी का प्लांटेशन।
तो गाइज ये देखिए, ये है रास्पबेरीज। जैसा कि आपको पता होगा रास्पबेरीज में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए रास्पबेरी तो खाने ही चाहिए। और यहाँ पर आप रास्पबेरी भी पिक कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा पके नहीं है यहाँ पे, बट फिर भी देखिए मुझे रास्पबेरी भी बहुत पसंद है और इसका तो बहुत बढ़िया पाई भी बनता है। हम लोगों ने तभी पाई भी खाया वहाँ पर कुछ शॉप में। तो गाइज कैसा लगा आज का वीडियो? आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट दैट बेल आइकन और शेयर विथ योर फ्रेंड्स।